मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वती अहोम साम्राज्य के जनरल लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया है और लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी साल फरवरी में असम के जोरहाट में किया था। और लाचित बोरफुकन असम के पूर्वती अहोम साम्राज्य के में एक सेनापति थे और सराय घाट के ही 1671 के युद्ध में उनके नेतृत्व में के लिए ही उन्हें पहचाना जाता है, जिसमें औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना का असम पर ही कब्जा करने का प्रयास विफल कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के जेल में बने रहने को शर्मनाक बताया और कहा कि इस तरह की चीजें सार्वजनिक जीवन में अभूतपूर्व है। और तिहाड़ जेल में बंद जैन के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो अपनी कोठरी में कच्ची सब्जियां और फल खाते हुए दिख रहे हैं। अन्य वीडियो में उन्हें मालिश कराते और अन्य विशेष सुविधाएं पाते भी देखा जा सकता है। गृह मंत्री ने ये एक कार्यक्रम में कहा कि मैं भी जेल गया था और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हमने अदालत में लड़ाई लड़ी और अदालत ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश थी और मामला फर्जी है। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो कानून का सहारा लीजिए या अदालत का रुख करिए। आप इतनी बेशर्मी के साथ कार्य नहीं कर सकते। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन को ही विशेष सुविधाएं मिलने के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि ये जवाब अरविंद केजरीवाल नीत आदमी पार्टी को ही देना चाहिए कि ये वीडियो वास्तविक है या नहीं। शाह ने ये भी कहा कि यदि वीडियो वास्तविक है तो ये आपकी जवाबदेही बनती है। उन्हें जेल में बंद अपने मंत्री से कहना चाहिए कि उनके जेल जाने के बाद भी आप उन्हें निलंबित नहीं कर रहे हैं और जेल में रहते हुए वो इस तरह की सुविधाएं उठा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो रहा है और बीजेपी यहां जहां फिर से कब्जा करना चाहती है और वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव में जीत दर्ज करने का पूरा प्रयास कर रही है। भाजपा लगातार चौथी बार दिल्ली नगर निगम पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और गुरुवार को भाजपा ने दिल्ली में ही व्यापार करने के आसानी सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति कर राह में राहत और इसके साथ ही फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त करने का वादा किया। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा उन व्यापारियों को संपत्ति कर में राहत देने का काम करेगी जिनके पास स्वीकृत कॉलोनियां, अधिकृत कॉलोनियां, गांव में दुकानें हैं और हम टेंडर लाइसेंस के मानदंडों को और सरल कर देंगे ताकि लोगों को एमसीडी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े। आपको बताते चले कि चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं और बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष का बयान काफी महत्वपूर्ण है और घोषणा पत्र में व्यापारियों के लिए कई वादे किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में अपने पति और बेटे के साथ पहली बार शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने खंडवा जिले के ही बोर गाँव से पैदल चलना प्रारंभ किया और यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ पैदल मार्च करते दिखाई दी। राहुल जब पदयात्रा पर ही निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए ही रस्सियों का सुरक्षा घेरा बनाकर साथ चलते हैं। प्रियंका की यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ता भाई बहन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनके करीब आने की बार बार कोशिश करते दिखाई दिए और उनके सुरक्षित घेरे से दूर करने के लिए ही पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यात्रा में राहुल और प्रियंका के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए।
दिल्ली में नगर निगम और गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने ट्वीट किया है और कहा है कि एमसीडी और गुजरात चुनाव में ही अपनी हार के डर से बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। सिसोदिया का यह बयान तब आया जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर आप और केजरीवाल को लेकर तंज कसा था। तिवारी ने कहा कि आप कार्यकर्ता और जनता केजरीवाल से गुस्से में हैं और मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी अपने गुंडों से खुलेआम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ये पहली बार इस बात को कहा और इसके साथ ही उन्होंने इसकी पूरी योजना बना ली है, उन्होंने ये भी कहा। और पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के बयान भी जारी किया गया है। वहीं अब खबर है कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आप नेताओं के ट्वीट और बयानों को संज्ञान में लिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। LG ने CM की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे पर नाखुशी जताते हुए कहा है कि ये बहुत कम है और हाईकोर्ट ने भूपेंद्र पटेल सरकार से कहा कि पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को काफ़ी कम मुआवजा दिया गया है और अदालत ने कहा कि मुआवजा वाजिब होना चाहिए। हाईकोर्ट राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि ये सुनिश्चित करे कि कितने पुल उचित स्थिति में हैं। हाईकोर्ट सभी पुलों की सूची चाहता है जिसमें ये उल्लेख किया जाए कि उनमें से कितने समान स्थिति में हैं। सौंपी गई रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और इसे हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का आदेश भी दिया है जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमारा मानना है कि मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ही घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा भी बहुत कम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतकों के परिजनों को दी गई मुआवजा राशि वाजिब और यथार्थ है में होनी चाहिए और इसके साथ ही मोरबी पुल हादसे में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, ये जानकारी आपको दे दें। और मामले की गंभीरता को देखते हुए ही त्वरित छानबीन के आदेश भी दिए गए थे। जांच में पता चला था कि पुल के मैनेजमेंट को लेकर ही नाम पर खानापूर्ति की गई थी और इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियां पूरी हुई है और आज अलीगढ़ में नुमाइश मैदान में ही मुख्यमंत्री आपको बता दें कि संबोधन करेंगे और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए इसके लेकर भी पंडाल को कई सेक्टरों में बांटा गया है। पंडाल में लगभग 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में जनसभा संबोधित किया जाएगा और आज दोपहर 1:05 पर ही योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला नुमाइश मैदान में हेलीपैड पर उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:15 से 2:45 तक जनता और पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे और साथ ही साथ जनपद की विकास योजना परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अन्य जिलों के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश,
सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करने वाले हैं, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज अलीगढ़ में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, ये जो है 40 दिनों के बाद जो है दूसरा उनका अलीगढ़ में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर के जो निकाय चुनाव आने वाला है उसको लेकर जो है आज वो जनता के साथ संवाद करेंगे और साथ ही साथ जो पदाधिकारी है उनको निर्देश भी दिए जाएंगे। हालांकि आपको मैं सुरक्षा व्यवस्था की बता दूं तो एक दिन पहले ही डीएम एसएसपी के द्वारा जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसको आने वाले कार्यक्रम को देखते हुए कोई भी अव्यवस्था ना होने पाए इसको लेकर के पंडाल जो है बनाया गया है। इसमें कई सेक्टरों में पंडाल को बांटा गया है, जिसमें 15,000 लोगों के आने की संभावना है और काफी लोगों के बैठने की भी उम्मीद है। जी आकाश, ये कार्यक्रम जो रहेगा कितने बजे योगी सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे और कितने लोग वहां पर उपस्थित रहने की आशंका जताई जा रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 15,000 लोगों की वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है, मंच बनाया गया है, मंच पर जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद हों या जो विधायक हैं वो सभी लोग वहां पहुंचेंगे, जो पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ता सभी पहुंचने की संभावना है। करीब 1:05 पर जो है मुख्यमंत्री अलीगढ़ में जो है निवास ग्राउंड के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, इसके बाद जो है 2:45 तक वो जो है 86 करोड़ की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। कोतवाली पुलिस ने गेलेंस इस्पात कंपनी में ही चोरी करने वाले उसी कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी इस कंपनी में ही विगत 1 साल से काम कर रहा था। विगत महीने कंपनी का ही लैपटॉप चुराकर उसके माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर किया हुआ था और साथ ही 50,000 रुपये की भी चोरी की गई थी। और इसकी जानकारी जब गैलेंट इस्पात कंपनी के बड़े अधिकारियों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली थाने में तहरीर के माध्यम से दिया और सूचना मिलते ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में लग गई है और शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि उसी कंपनी में ही काम करने वाले एक व्यक्ति की यह पूरी कास्तानी थी। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा एक ऐसे शातिर बदमाश को पकड़ा है जो कि गैलेंट कंपनी में पहले काम करता था। उसने गैलेंट कंपनी में काम करते हुए एक वहां की कंपनी के लैपटॉप को चुराया और उसके साथ साथ गले में से जो पैसे थे करीबन 50,000 के करीबन पैसे बताए जा रहे हैं वो भी उसने उसके साथ चुराए और बाद में उसने लैपटॉप से जितनी भी उसमें जो भी सूचनाएं थी उसको भी निकाल के उन्होंने उसके साथ भी उनको खुर्दबुर्द किया है। इस तरह के अपराधी को खिलाफ 408 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरह से मामला सामने आया है लैपटॉप चोरी का मामला है और बताया जा रहा है कि आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हाँ, ये गैलेंट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का जो कई वर्षों से गैलेंट कंपनी में काम करता था और कंपनी के जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने किसी और से भी शेयर करते थे का ये मामला कहीं ना कहीं जगह पे कटा है। इसका नाम पुलिस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि पुरुषोत्तम प्रसाद पादरी बाजार का निवासी था, वो थाना क्षेत्र का निवासी है, ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है। फर्म में एक सालों से काम करता लैपटॉप और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसका सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने लगातार ढूंढ गई थी, मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसको भी पकड़ा गया और कोतवाली थाना क्षेत्र के विजय चौक से पकड़ लिया गया, जिसके पास से जो है लैपटॉप बरामद हुए, 50,000 रुपए जो नकदी लेके गायब हुए, पैसे बरामद नहीं हुए। और कल प्रेस वार्ता के दौरान इसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि इसके साथ पास से जो है लैपटॉप बरामद हुआ है, कोतवाली पुलिस ने अच्छा काम किया है और कोतवाली पुलिस को भी कुछ इनाम दिया गया है। ऐसे मामले और भी है, इसमें कितने लोग ऐसे गिरोह में शामिल है इस बात को अभी खंगाला जा रहा है, आगे की कार्रवाई करते हुए सिजिल भेजा गया। जी धनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध मदरसों या बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो गया है और जिला प्रशासन और अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश सरकार और मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। जिले के बलरामपुर सदर तहसीलपुर और गेसड़ी ब्लॉक में ही बिना मान्यता के मदरसों की बाढ़ सी आ गई है और जिले में ही 3,089 मदरसे जो है बिना मान्यता के ही चलते पाए गए हैं और जिले के ही गेसरी ब्लॉक में सर्वाधिक 121 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते पाए गए हैं। इनमें से कुछ मदरसों तो ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए हैं जबकि कुछ मदरसे निजी भूमि ऊपर भी बनाए गए हैं। कुछ के लिए ग्राम समाज में स्थापित मस्जिद की जमीन का प्रयोग किया गया है और इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में भी बिना मान्यता के मदरसे कई साल से मस्जिदों के भवनों या फिर निजी भवनों में संचालित हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बलरामपुर से हमारे सहयोगी योगेंद्र विश्वनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जैसे कि बताया जा रहा है कि मदरसों को लेकर जो मामला सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों के सर्वे का काम अब खत्म हो चुका है। जी, बलरामपुर जिले में मदरसे को जो बिना मान्यता प्राप्त के जो मदरसे चल रहे थे उनके सर्वे का काम अब खत्म कर दिया गया है और इसकी जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 15 नवम्बर को ही जिला शासन को भेजी जा चुकी है। अब बात जो सामने आ रही है वो बलरामपुर जिले के सदर ब्लॉक में 56 मदरसे हैं जबकि हरिया सुदगरों ब्लॉक में 19 मदरसे हैं, श्रीधरगंज ब्लॉक में 12, तुलसीपुर में 56, ग्यासड़ी में सबसे ज्यादा 121, पचपड़वा में 19, गेंडास बुजुर्ग में 26, पुटरौला में 34 और सादुल्ला नगर रहरा बाजार ब्लॉक में 36 अवैध मदरसे पाए गए हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे। इस तरह से अगर पूरे जिले की बात करें तो 389 ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे थे। ये कई बार मस्जिदों की भवनों में चलते पाए गए या निजी भवनों में चलते पाए गए हैं। तो इस तरह से जो जांच में सामने आई है बात, वो बड़ी बात ये है कि 389 मदरसे पिछले कई सालों से, कई दशकों से यूं कहें तो ये चल रहे थे और यहाँ पे फंड कैसे हो रहा था, इनकी तमाम चीजें जो क्रियाकलाप इनके चल रहे थे वो किस तरह से चल रहे थे, इसकी जांच पड़ताल अब शासन द्वारा की जा रही है और जिला अधिकारी ने शासन के निर्देश के अनुरूप जो चीजें होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, जो अन्य कार्रवाई इसमें आगे बढ़नी चाहिए उसके लिए अनुशंसा कर दी है। जी जी योगेंद्र, इसमें अगर देखा जाए इस पूरे मामले पर तो आगे की क्या कार्रवाई रह सकती है? देखिए, योगी सरकार का साफ कहना है कि जो है जो अवैध मदरसे हैं पूरे प्रदेश में या जो बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं या जिनका कहीं से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन्हें या तो बंद किया जाए क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता है क्योंकि वो मदरसों में पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें कोई डिग्री नहीं मिलती, कोई मार्कशीट नहीं मिलती, तो इस तरह से जो बच्चे निकलते हैं उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं संकट गहराता है। जबकि जो मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं या जो सरकार द्वारा अनुदानित मदरसे चल रहे हैं उसमें जो है विज्ञान, गणित और जो तमाम आधुनिक विषय हैं, कंप्यूटर जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाता है और इस तरह से जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें जो इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेके ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है सतर्क है और उसी पर काम कर रही है। जी जी योगेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बलरामपुर जिले में अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही आई भीषण बाढ़ के कारण किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और धान और गन्ने की फसल को हुए बड़े पैमाने पर नुकसान की भरपाई करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। भीषण बाढ़ का पानी हटने के बाद जिला प्रशासन ने लेखपालों और नायब तहसीलदारों की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया। अब जिला प्रशासन द्वारा किसानों को उनके नुकसान की भरपाई शुरू हो गई है और जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़े पैमाने पर किसानों को चिन्हित करते हुए उनके खाते में ही डीबीटी के माध्यम से नुकसान का पैसा भेज रही है और जिले में धान के लगभग 1.5 लाख किसान पंजीकृत हैं जबकि गन्ने की फसल की बुआई लगभग 2 लाख किसान करते हैं। अब तक जो बात करी जाए तो 1,329 किसान ऐसे पाए गए हैं जिनका बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान हुआ है और इन किसानों के अपेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा कृषि निवेश भुगतान हेतु जिले के लिए 23,66,23,704 रुपए की अवस्था जो है व्यवस्था की गई है और इनमें से अभी तक 33,007 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। भुगतान की
की गई है और कुल धनराशि जो है वो 9,51,33,000 बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी भुगतान के लिए जिला प्रशासन के पास 14,15,00,000 रुपए शेष बचे हैं और इन सबको लेकर ही कई हजार किसानों के हुए नुकसान का भुगतान किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ योगेंद्र विश्वनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, जिस तरह से मामला सामने आया है कि बाढ़ के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए, बलरामपुर जिले में अक्टूबर के शुरुआत में जो है एक बड़ी बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें लोग जो है लगभग जिले के 600 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, यानी कि जिले का लगभग एक तिहाई हिस्सा प्रभावित हुआ था। तीनों तहसीलों में आई थी बाढ़ और ये बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई जिसके कारण जो है किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ग्रामीण अंचल में किसान ही रहते हैं। बताया जाता है कि किसानों की जो धान की और अन्य फसलें थी, जैसे गन्ने की जो फसलें थी, उन पर काफी नुकसान हुआ। इसका सर्वे अक्टूबर माह में ही योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर आए और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो है सर्वे का काम शुरू किया जाए। उनके निर्देश के बाद जो सर्वे का काम शुरू हुआ तो कुल 1,00,000 कुछ किसान जो है यहाँ पर जो ऐसे पाए गए जिनका जो है नुकसान हुआ है। इन सभी किसानों का जो है अब जो है इनके डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में कृषि निवेश का पैसा पहुंचाया जा रहा है, यानी कि इनके फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए, इनके ऊपर मरहम लगाने के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए की धनराशि जो है शासन द्वारा भेजी गई, जिनमें से 24 करोड़ की जो धनराशि है वो लगभग जो है किसानों तक वितरित करने की जो पूरी कार्य योजना वो बन चुकी है, जिनमें से 35,000 किसानों को जो है 9 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अब तक जो है डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जी योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। संभल में पुलिस पर पथराव हुआ है। आपको बताते चले कि 307 के आरोपी के गिरफ्तारी को दबिश देने गई पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया है और जिसमें चौकी पर भारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों पर हमले की सूचना से हड़कंप मच गया और इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद समेत 25 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 6 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की खोज जारी है और सभी के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। थाना नखासा के अंतर्गत मोहल्ला दीपासराय में पुलिस की एक टीम आज चौकी इंचार्ज व 4 कांस्टेबल के साथ में एक 307 के अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी। रिजवान के परिवारजनों के द्वारा उसको वहां से भगाने का प्रयास किया गया और इस क्रम में पुलिस टीम के साथ में मुजामत की गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इनके संभल में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर दबंगों ने कानून को हाथ में लिया है। खेत में जबरन निकलने का विरोध करने पर दबंगों ने एक बुजुर्ग को पीटा है और बीच सड़क पर ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जुनावई थाना के ही गांव घोसली राम सहाय का बताया है कि जहाँ दबंग एक बुजुर्ग को सड़क पर डाल पर पीटने दिखाई दे रहे हैं और गांव में पंचायत के दौरान दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा है और इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिख रहे हैं, मगर दबंगों ने मारपीट के साथ गालियां भी दी और इसके साथ ही लड़ाई शुरू हो गई। पूरे मामले पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष समेत दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज किया है और दोनों पक्षों की ओर से 4-4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हाथरस में रेलवे लाइन के किनारे बनी हुई मजार में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है और साथ ही पास में मजार की देखभाल करने वाली महिला का भी शव मिला है। सूचना पर मौके पर ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीण ने दोनों की हत्या की आशंका जताई है। समय दोपहर करीब 2 बजे थाना हाथरस जंक्शन पर सूचना प्राप्त हुई कि हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे रेलवे लाइन के किनारे बनी मजार के पास एक महिला घायल अवस्था में है तथा मजार के अंदर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और महिला को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया, जहाँ रास्ते में उसकी मृत्यु।
और इसी खबर पर हमारे साथ हाथरस से हमारे सहयोगी दीपेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, जिस तरह से शव मिला है उसके बाद ग्रामीण जो है लगातार हत्या की आशंका जता रहे हैं, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी हाँ, बता दें, एक मजार का मामला हाथरस जंक्शन क्षेत्र का है ये पूरा मामला, जिसमें एक रेलवे लाइन के किनारे एक मजार बनी हुई है। इसमें संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड करने की एक आशंका है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वहाँ के वो आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। इसको लेकर मौके पर आला अधिकारी पुलिस के भी पहुंचे, जिन्होंने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पूरी छानबीन शुरू कर दी है। जी, कुछ ये जानकारी हासिल हो पाई है दीपेश की, ये शव कब बरामद हुआ है और पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? जी, मैं बता दूं कि ये जो शव मिला है वो आज सुबह का मामला है ये, और इसमें लेकर जब पुलिस को ये पता लगी, सूचना मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रीय अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। उन्होंने पूरी फॉरेंसिक और डॉग स्पॉट की टीम को लेकर वहाँ पूरी छानबीन की है और मामले की जांच पड़ताल ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।